गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए क्रेट के एग्ज़ाम में यद्यपि लेट तो हो गया है, फिर भी जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जियोग्राफी में 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसकी चर्चा करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो 21 में भी आए थे, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सके हैं। इससे एक आपका एंटिसिपेशन, एक अनुमान, एक गेस हो जाएगा कि जो कल का पेपर है वो किस तरह से हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं। पार्ट ए में आपको पता है कि यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, जिनकी शब्द वर्ड लिमिटेशन होगी 75 वर्ड्स ईच, 75 वर्ड्स होगी, और यह जो आपका नंबरिंग होगा, मार्क्स होगा इसका 12 12 मार्क्स होगा, मतलब 12 12 मार्क्स का नंबर होगा, और इसमें टोटल आपका हो जाएगा 120 मार्क्स, 120 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो अभी तक क्रेट में लास्ट टर्न पे पूछे गए क्वेश्चन है उनमें चर्चा करेंगे, उसमें से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा 10 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इसमें पहला है आपका, वह है नव निश्चयवाद क्या है, नव निश्चयवाद, तो इस पे एक शार्ट नोट आपको लिखना है 75 75 शब्द का, नव निश्चयवाद क्या है, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो आया हुआ है आपका, वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत, वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीय कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका है, यहाँ से आया हुआ है, वह है कि संभववाद क्या है, तो संभववाद का सिद्धांत, संभववाद क्या है। इसी तरह एक बार आया हुआ है आपका प्रसंभाव्यवाद, अथवा प्रसंभाव्यवाद क्या है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर चर्चा करेंगे। अगला है आपका अपच्छय और उसकी विधियां, अपच्छय से आप क्या समझते हैं, अपच्छय व उसकी विधियां। ठीक, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा आपका है, ये है बेबर का न्यूनतम परिवहन लागत नियम, बेबर का न्यूनतम परिवहन लागत नियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर छः की चर्चा करेंगे। छः आपका आया है सांस्कृतिक भूदृश्य से क्या समझते हैं, और एक बार आया है आपका जेट स्ट्रीम, देखिए जेट स्ट्रीम क्या है इस पे लिखना है, फिर आपका लिखना है सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप, भूदृश्य लिखना है। आठवां है आपका क्वेश्चन, यह है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है। और अगला क्वेश्चन है यहां से आपका, वह है आपका हुबर का न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत, न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत। ठीक है, और देखते हैं, दसवां है एक क्वेश्चन और जो आया हुआ है, वह है आपका अगला क्वेश्चन है कास्ट से स्थलाकृति से संबंधित स्थल रूपों का निर्माण आया हुआ है, और भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आया है, बहिर्जात ये सब आए हैं। ठीक है, तो हम लोग और चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनमें से एक है आपका बेगनर का
महाद्वीपीय सिद्धांत सिद्धांत थ्री वर्ड्स वाले क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इसमें आपको करना है टोटल 2 क्वेश्चन करना है 300 वर्ड में, तो मतलब 150 का है। इसमें आपको करना है 2 क्वेश्चंस 150 वर्ड्स में करना है, 20-20 मार्क्स का है और टोटल आपका हो जाएगा 40 मार्क्स। इसमें आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, कभी कभी इंटरनल चॉइस होता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि इंटरनल चॉइस हो भी, कभी 4 आता है, कभी 3 में 2 करना होता है, कभी 2 में ही करना पड़ता है। तो नावली आशा है कि इंटरनल चॉइस आएगा। जैसे इसमें आया हुआ है आपका, एक है एल नीनो और ला नीनो क्या है, एल नीनो तथा ला नीनो क्या है इनके सामान्य जलवायु परिवर्तन प्रभाव, इनके सामान्य जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताइए, व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका काष्ट स्थलाकृति से संबंधित स्थल रूपों का वर्णन, काष्ट स्थलाकृतियों से संबंधित स्थलाकृति से संबंधित स्थल रूपों का वर्णन, स्थल रूपों का वर्णन करते हुए लेपिस के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, वर्णन करते हुए लेपिस के निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। ठीक, प्रक्रिया समझाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है आपका, वह है ऐसे, अगला है मानव वाताग्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार वाताग्र तथा उसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और चलिए थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकते हैं। सी में 1 क्वेश्चन आपको करना है, 1 क्वेश्चन 400 वर्ड्स में इसका हो जाएगा 40 मार्क्स का होगा, तो टोटल 40 मार्क्स भी होगा। ठीक है, 40 नंबर का। इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगा, 3 कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 1 क्वेश्चन करना है। अब कौन से क्वेश्चन, देखिए ये कहीं से भी बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, एल नीनो आ सकता है, कास्ट आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये छोटे में भी आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा सकता है। जो जितना क्वेश्चन अगर पोटेंशियल है तो बड़े में तो बड़ा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन 60 में भी पूछा सकता है। ठीक है, तो और 150 वर्ड के लिए और 400 वर्ड के लिए कोई ऐसा मानक नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो नहीं आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बड़े क्वेश्चन में एक हम लोग चर्चा करेंगे, भू आकृतिक चक्र संकल्पना से संबंधित W.M. डेविस एवं पेंग के विचारों का तुलनात्मक विवेचना। जैसे पहला है भू आकृतिक, भू आकृतिक चक्र संकल्पना के अंतर्गत डेविस एवं पेंग के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, डेविस एवं पेंग के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। हमको लगता है जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको बड़े में आ सकता है, एल नीनो आ सकता है इस बार,
वाताग्र, उसके बाद आ सकता है आपका ये आ सकता है बेगनर का महाद्वीपी बड़ा भी आ सकता है, ये पोटेंशियल है, बड़े क्वेश्चन में पूछा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और जो आ सकता है, ठीक है, वो है आपका भू आकृति विज्ञान के, भू आकृति विज्ञान के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, कि अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। और एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे हमको जो क्वेश्चन मिले हम उस आधार बता रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको 400 वर्ड में ही आया हो सकता है कि 150 वर्ड में भी आया हो। ओके, तो इस हिसाब से आपको नहीं पढ़ना, आप समझिए जिसमें पोटेंशियल होगा वो 400 भी आ सकता है या 150 भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा कोई मानक नहीं है कि ये क्वेश्चन यहीं पर रहे, हाँ, जैसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ आ सकते हैं आराम से। अगला आपका एक क्वेश्चन और देखते हैं, मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल के उपागम का वर्णन कीजिए आदि व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनेंगे, बड़े क्वेश्चन ज्यादातर हमको जो इस बार संभाल रही है बेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आ सकता है, एलिनो कास्ट वाला आ सकता है, इधर से भू आकृति आ सकता है, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन जो हैं वे हो सकते हैं आपसे पूछे जाएं। आपको आपका सब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा इस बारे में, आप पढ़े भी होंगे और आशा करता हूँ आपको मतलब एक अनुमान ये है कि ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो अगर छोटे क्वेश्चन हैं पोटेंशियल कम है तो जान लीजिए 75 सब में आएंगे, अगर आपको लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का है ये क्वेश्चन तो बड़े में आ सकते हैं, 150 में भी आ सकते हैं, वो 300 में 400 वर्ड में भी आ सकते हैं। शब्द सीमा का विशेष रूप से पालन कीजिएगा और कम शब्दों में अपनी बातों को लिखने का प्रयास कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू और आशा करता हूँ कि इनमें से भी कुछ आपका काम हो जाए। ओके, तो होप फॉर बेस्ट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम। ओके।